आईपीएल 2023 का एक और महामुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी, साथ ही कौन सा होगा दोनों टीमों का इम्पैक्ट प्लेयर। इसके अलावा इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन भी हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे ये मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी चाहते कि इस मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बारे में। तो दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स का परफॉर्मेंस आईपीएल 2023 में अब तक काफ़ी शानदार रहा है और इस टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अब तक अपने 3 में से 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि पॉइंट टेबल में भी इस समय काफ़ी शानदार तरीके से ये टीम फिलहाल नंबर 2 पर मौजूद है। तो यहाँ पर एक बार फिर ये टीम कमाल कर सकती है। हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों की तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दोनों तरफ से इस टीम के लिए हुआ है, लेकिन दोस्तों अब इस मुकाबले के लिए इस टीम के लिए पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे काइली मायर्स, तो उनके साथ होंगे केएल राहुल। दोनों खिलाड़ी यहां पर टीम के लिए काफी शानदार शुरुआत कर सकते हैं और अब तक इनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, जबकि दोस्तों नंबर 3 पर दीपक हुड्डा उतरेंगे तो नंबर 4 पर इस टीम की तरफ से कुणाल पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 5 पर मार्को स्टोइनिस उतरेंगे तो नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आएंगे निकोलस पूरन, जबकि दोस्तों टीम की तरफ से नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे आयुष बदोनी, तो वहीं पर इसके बाद नंबर 8 पर अमित मिश्रा को मौका मिलने वाला है, जबकि नंबर 9 पर जयदेव उनादकट उतरेंगे तो नंबर 10 पर रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 11 पर इस मुकाबले में इस टीम की तरफ से मार्क वुड खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस टीम का इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यश ठाकुर इस टीम के लिए मौजूद रहेंगे, जबकि दोस्तों बल्लेबाजी में एक ऑप्शन प्रेरक मांकड का भी रहने वाला है। हालांकि यहां पर मार्को स्टोइनिस की जगह पर यह टीम अगर क्यूटन डीकॉक को मौका देती है तो और भी मजबूत हो जाएगी इनकी बल्लेबाजी लाइनअप। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा ऊपर नीचे रहा है, क्योंकि एक मुकाबले में काफ़ी शानदार जीत दर्ज की तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में उतनी ही बुरी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब एक बार फिर तीसरे मुकाबले में यह टीम कमबैक करने वाली है, क्योंकि मुकाबला इन्हीं के होम ग्राउंड में होने जा रहा है। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर इस टीम की तरफ से एक बार फिर 2 विस्फोटक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करेंगे, यानी कि पेप डू प्लेसिस और विराट कोहली कमाल का शुरुआत इस टीम के लिए करने वाले हैं, और अब तक इस टीम के लिए कमाल की शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने की भी है। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल को एक बार फिर नंबर 3 पर उतरने का मौका मिलेगा। माइकल ब्रेसवेल भी इस टीम के काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं, हालांकि अब तक एक ही मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी आई जहाँ पर वो सिर्फ 19 रन ही बना पाए थे, लेकिन यहाँ पर वो कमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल हमें खेलते हुए नजर आएंगे। मैक्सवेल की फॉर्म इस आरसीबी की टीम के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उनका ना चलना टीम के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे तो नंबर 6 पर शाहबाज अहमद उतरने वाले हैं, जबकि दोस्तों नंबर 7 पर इस टीम की तरफ से डेविड विल्ली उतरेंगे तो नंबर 8 पर कर्ण शर्मा उतरने वाले हैं, नंबर 9 पर हर्षल पटेल उतरेंगे तो नंबर 10 पर आकाशदीप उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इस टीम का इंपैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में अनुज राउत को एक बल्लेबाज के तौर पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मौका दिया गया था, लेकिन इस मुकाबले में अगर ये महिपाल लोमरोर को मौका देते हैं जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में आकर, तो वो बेहतर ऑप्शन इस टीम के लिए होने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं मैच प्रेडिक्शन की तरफ कि आखिरकार इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी। तो दोस्तों इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का पलड़ा भारी रहेगा, आपके हिसाब से किसका रहेगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।